युग समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं पुनः प्रकृति की गोद में वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला है, तो मैंने सोचा कि इसको प्रकृति की गोद में वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं और लोगों को पसंद भी है। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग पारद शुद्धिकरण का विज्ञान सीखना चाहते हैं, वह लोग अब सन्नद्ध हो जाएं, उनको पारद शुद्धिकरण का ज्ञान दिया जाएगा। पारद के बहुत सारे कर्म होते हैं, पारद औषधियों में भी प्रयोग होता है और यह कीमिया गिरी में भी प्रयोग होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई 20 वर्ष से लगा है, कोई 40 वर्ष से लगा है, उनको अपने इष्ट की सिद्धि अभी तक नहीं हो पाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विधिवत आप दीक्षा लेकर के इस कार्य को करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पारद शास्त्र जो है वो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा, कोई फार्मूला होगा इस प्रकार से। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप करते हैं तो आपको सफलता मिलना स्वाभाविक है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल मन ही बनाना छोड़ दें कि हम पारद के बारे में कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो पारद विज्ञान सीखना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको शिव की साधना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये रसेश्वर है भगवान शिव, तो शिव की साधना ही करनी पड़ेगी। और जो लोग कीमिया में अपना देखना चाहते हैं भविष्य, तो उनको फिर यक्षिणी साधना भी करनी पड़ेगी, तत्पश्चात पारद विज्ञान आप सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक सम्यक रूप से उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा होता कैसे। साधना अगर सरल नहीं होती, मैं मानता हूँ कि साधना सरल नहीं होती, लेकिन साधना इतनी कठिन भी नहीं होती कि वो की ना जा सके। एक तरफ तो आप 20 वर्ष लगाते हैं पढ़ने लिखने में और वहाँ पर कोई डिग्री डिप्लोमा करने में 20 वर्ष का टाइम देते हैं, साधना को आप 20 दिन का टाइम नहीं दे सकते, साधना को आप 2-4 महीने का टाइम नहीं दे सकते। तो यहाँ कोई हथेली पर आम नहीं उगता है, आप भी समझें। और मुझे इस बात की परवाह कभी नहीं रही कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, मीठी मीठी बातें करके आपको अपने पास बुला लेना, मीठी मीठी बातें करके है ना आपसे धन संग्रहित करना, ये मेरा उद्देश्य कभी ना तो रहा है ना कभी होगा। तो अगर साधना कर सकते हैं तो ही मैं आपका साथ दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के बाद सभी की जो मन की कोई ऐसी परत जमी होगी उनके मन में, वो हट जाएगी। इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये वीडियो बना करके आप लोगों को बताना उचित समझा है। मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटियों की खोज में आया था और जड़ी बूटियाँ भी हैं, एक से एक अद्वितीय जड़ी बूटियाँ हैं। मैं आपको कुछ दिखाता भी हूँ, कुछ दिखाता भी हूँ, फिर बात करते हैं। अब एक इस जड़ी बूटी को आप देखें, इसमें ये जो इसके पुष्पों के ऊपर ये जो बीज हैं, यहाँ पर कांटे हैं। ये जड़ी बूटी मूठ कटारा बूटी का ही एक स्वरूप है, जिनका कि आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा महत्व है। प्राणदानी औषधियों में इनकी गणना की जाती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पौधा, इसे खस कहते हैं। इससे बहुत बढ़िया इत्र भी बनता है, जिसे आप सेंट कहते हैं,
और भी कई दवाइयों में काम आता है। बहुत ही सुंदर इसमें इत्र बनता है। तो मैंने आपको दो बूटियां दिखाई हैं और पारद विज्ञान में जब आप आगे बढ़ते हैं तो पारद विज्ञान में कुछ तो रसायनों का प्रयोग होता है, लेकिन उन रसायनों से भी ज़्यादा जड़ी बूटियों का महत्व होता है इसमें, जिसको कि जंगल से जा कर के ही कुछ लाई जाती हैं। हरी जड़ी बूटियों का इसमें मर्दन करने से, हरी जड़ी बूटियों के द्वारा शोधित करने का विधान है, उसका ज़्यादा अच्छा रहता है। सूखी बूटी उतना अच्छा काम नहीं देती, इसलिए वैद्य लोग जब पारद का शोधन वगैरह करते हैं तो वो स्वयं जा कर के उन बूटियों को लेते हैं। अब उन जड़ी बूटियों को भी जब हम लोग लाते हैं तो एक वैदिक तांत्रोक्त विधि है, उसके फलस्वरूप वो जड़ी बूटी प्राप्त होती है। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे वैद्य लोग थे जिनसे जड़ी बूटियां बातें करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। जड़ी बूटियां उनके कोई मुंह तो होता नहीं, मनुष्य की भांति वो बातें कैसे करती हैं। बातें करने का तात्पर्य एक ही है, जड़ी बूटियों के बारे में उनको इतना ज्ञान होता है कि वो जान जाते हैं कि ये जड़ी बूटी इस काम में आएगी। जैसे मनुष्य स्वस्थ और बीमार होता है, वैसे पेड़ पौधे भी स्वस्थ और बीमार होते हैं। तो जो स्वस्थ जड़ी बूटी होती है, कोई जड़ी बूटी मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चुनना चाहिए। जैसे आप देखिए कि गेहूँ है, गेहूँ को आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, गाड़ने के बाद में उससे जब अंकुर फूटेगा, जब वो 7-8 इंच का हो जाए, तो उसको आप निकाल करके तोड़ करके और उसका जूस बना सकते हैं। हरे हरे पत्तों का जूस बनता है, वो जूस आपके सारी बीमारियों को ठीक करता है। वीट ग्रास जूस कहते हैं उसको, यानी कि जितना आप उसको पियेंगे 40% वह शरीर में लगता है। इससे ज़्यादा लगने वाली चीज़ शरीर में, स्वांगीकरण होने वाली कोई चीज़ आज तक देखी नहीं गई, इसीलिए असाध्य रोगों को भी ठीक कर देता है। परंतु अब आप दूसरा एक देखिए, जब वही गेहूँ की वाली बड़ी होती है, उसमें बाली लग जाती है, यानी कि दाने आ जाते हैं, फिर वो सूख जाता है। अब सूख जाता है तो वो भूसा बन जाता है। भूसे को जानवर तो खा सकते हैं, मनुष्य तो नहीं खा सकता, है तो वो गेहूँ ही, पर प्रकारांतर से उसमें चेंजेज आते रहते हैं। भूसे को नहीं खाया जा सकता, गेहूँ की जो नया पौधा है, हरा है, उसको खाया जा सकता है। भूसे से जूस भी आप नहीं निकाल सकते। अब आप समझ गए ना कि जड़ी बूटी हरी में और जो सूखी में क्या अंतर है। इसी प्रकार से पारद के तमाम ऐसे संस्कार हैं जिनमें से कि कभी पारद को मारण किया जाता है, कभी पारद को मूर्छित किया जाता है, कभी उत्थापन किया जाता है, कभी मर्दन किया जाता है ना, जागृत किया जाता है, कभी भस्म बना दी जाती है, तो कभी भस्म से पुनः पारद ले लिया जाता है ना, ये होता है। और इसी प्रकार से जब वैद्यगण अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, तब आखिरी चरण में व्यक्ति धातु परिवर्तन भी कर सकता है। तो शाम का समय है और आप देख रहे होंगे कि भगवान भास्कर अभी हैं। आज चूँकि यहाँ बारिश हुई है तो बहुत अच्छा सुहावना मौका है, गर्मी से कुछ निजात मिली है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को अपनी गरीबी से भी निजात मिले। अब जो लोग आएंगे, वास्तव में जिनके अंदर सीखने की क्षमता होगी
और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ खर्च करने की क्षमता होगी वही लोग आएंगे, सभी तो आ नहीं सकते। मैं स्वागत करूंगा जो इस क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।